गाइस यार मैं थक चुका हूँ इस अकेलेपन से। इतनी गरीबी अब मुझसे सहन नहीं होती है। मुझे तो लगता है मैं भूखा ही मर जाऊंगा। काश के इस कचरे के डब्बे में कुछ हो। बिली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओ गाइस हॉट डॉग प्लीज बिली ये मुझे दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। नहीं सॉरी डूड। गाइस यार हमें पैसे की जरूरत है, उसके बिना तो हम लोग ऐसे रह जाएंगे। वो कैश के बच्चे कैसे हो? ये तो बिलियनियर फैमिली है। अबे यार ये लोग बहुत कमाल के। अगर तुम्हें इन पैसों की जरूरत है तो तुम रख सकते हो। नहीं नहीं मुझे भी बिलियनियर बनना है। क्या मैं तुम्हारी फैमिली ज्वाइन कर सकता हूँ प्लीज? एक दिन जरूर, पर आज नहीं। हमें बहुत सारे गरीब लोगों की मदद करनी है। हमारा बेटा भी शहर के किसी कोने में किसी की मदद कर रहा होगा। ओके गाइस तो हमें इनके बच्चे को ढूंढना है। अगर हम उसके दोस्त बन गए तो हम इनकी फैमिली ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार अगर मैं बिलियनियर बन गया ना, उसके बाद मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर सकता हूँ। एक मिनट, ये आवाज किस चीज की है? नहीं आउच 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 गाइस यार ये किसने किया होगा, बहुत जोर से लगी है। बिली सॉरी डूड, मुझे माफ कर देना, पर ये मुझे करना ही पड़ा। मुझे उस फैमिली को ज्वाइन करना है किसी भी हालत में और बनना है सबसे अमीर। नहीं नहीं बिली तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं वो पैसा लोगों की मदद के लिए यूज करूंगा और तुम खुद के लिए। हे हाय मेरा नाम बिली है और तुम्हारा? नहीं नहीं गाइस वो पहुंचना नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी जाना होगा। कहा गया कहा गया? अबे वो बच्चा यहीं पर होना चाहिए था, कहा जा सकता है? ओ नहीं गाइस हमें जल्दी जल्दी जाना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है यार, वो हमसे पहले पहुंच गया उसके पास। मुझे उस फैमिली को सब कुछ बताना होगा। अबे यार वो तो पहुंच चुका है। नहीं नहीं इसे अडॉप्ट मत करना, ये बहुत ही बुरा है। चुप करो। अच्छा ठीक है, हमारे फैमिली में बस एक मेंबर की जगह बची है, तो तुम दोनों को कंपटीशन करना होगा और जो भी जीतेगा वो हमारे फैमिली का हिस्सा बनेगा। ओके तो मैं तैयार हूँ। बिली तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये रहा फर्स्ट टास्क, तुम्हें शहर की ज्यादा से ज्यादा चीजों को कन्वर्ट करना है कैश में। जो सबसे ज्यादा चीजों को कन्वर्ट करेगा वो जीत जाएगा। अब तुम्हारे पास हमारी पावर है तो जाओ जल्दी से। ओके ओके गाइस तो हम जितना जल्दी हो सके ना उतने जल्दी सारी चीजों को कन्वर्ट करेंगे। शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये तो सच्ची में कैश बन गया। हमें जो भी करना है ना बिली से बहुत ज्यादा फास्ट करना होगा। पर इस गेम को जीतने के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं किसी भी इंसान को कन्वर्ट नहीं करूंगा, और ऐसा इसलिए है क्यों हम किसी भी चलते फिरते इंसान को कार्डबोर्ड का बॉक्स बना दे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे। वाह क्या बात है, डूड तो बहुत ही अच्छा कर रहा है, उसने ज्यादा चीजों को कन्वर्ट किया। हाँ वो इस रेस में आगे है, मुझे नहीं लगता बिली इससे जीत पाएगा। गाइस हम लोग बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, हमें ऐसे करते रहना है। जरा इन बॉक्स को तो देखो, एक बॉक्स में कम से कम $10,000 होंगे। यहाँ पर कितना पैसा ही पैसा है भाई। पर हम ये नहीं ले सकते क्योंकि ये रूल के खिलाफ है, और शहर में बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा इससे। ये लोग तो डूड की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं मैं उससे जीत के रहूंगा भले मुझे कुछ भी करना पड़े। गाइस अभी भी हम लोग आगे हैं, हम लोग उससे जीत सकते हैं, हमें बस हार नहीं माननी है। वो इंसान नहीं दूर हो जाओ। हाँ गाइस क्या बात है, एक मिनट गाइस आपको भी आवाज आई क्या? मैं बर्बाद हो गया हूँ। अबे यार ये आवाज तो इसी साइड से आ रही है। मैंने अपने जिंदगी भर की कमाई बचा के ये गाड़ी ली थी और अब ये भंगार बन चुकी है, मैं तो लूट गया। पर रोने की क्या जरूरत है, तुम नई गाड़ी ले लो और इसको बेच दो। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा? गाइस यार मुझे पता है कि ये गेम चल रहा है, पर मुझे लगता है मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ये लो अब तुम जैसी चाहे वैसी गाड़ी खरीद सकते हो। वाह तो जाओ और जाके अपनी मनपसंद गाड़ी ले लो। नहीं बिली क्या कर रहा है तू? अबे यार ये हमारे बीच में ही आता रहेगा। नहीं 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 शिट, इसने तो उस इंसान को कन्वर्ट कर दिया। बिली यार किसी भी हद तक गिर सकता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बिली तेरे को तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं, आ जा तू। अबे जा ये ले। अब यही पर फंसा रहे। गाइस यार बिली ने हमें अंदर ही फंसा दिया है, हम लोग इसके बाहर कैसे जाएंगे? यहाँ जाने का और कोई रास्ता नहीं है। क्या करे क्या करे क्या करे? एक मिनट, एक चीज है जो हमारे काम आएगी। आप लोग एकदम सही समझ रहे हो, मेरी बात सुनो। मेरा नाम डूड है, जिस किसी को पैसे की जरूरत है यहाँ पर आके ले जाए, वो इसी घर में है। यार मुझे लग रहा है ये प्लान काम करेगा, बहुत सारे लोगों ने ये बात सुन ली होगी और वो लोग यहाँ पर आते ही होंगे। वो आउच गाइस फाइनली हम लोग बाहर निकल गए। ओ जरा देखो तो सही, बिली ने तो बहुत सारी चीजों को कन्वर्ट कर दिया, वो बहुत अच्छे प्रोग्रेस पर है। हम लोग हार नहीं सकते यार उससे, उसने चीटिंग की है। मुझे जल्दी जल्दी कुछ करना होगा, बस ये लास्ट कार बची है, इससे पहले कि बिली इसको कन्वर्ट करे मुझे इसे कन्वर्ट करना होगा। चलो डूड। गाइस 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 हम लोग पहुंच सकते हैं, हमें बस बिली से पहले करना है। नहीं 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 अब
यार शिट, हमारी नसीबी खराब है यार, कैसे हार सकते हम लोग। बिली तुम जीत चुके हो, पहला पॉइंट तुम्हारा हुआ, अब तुम्हारे हाथ में लीड है। वो तो मुझे पता ही है, मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगा, डूट के बस की बात नहीं है। मैं तो बोलता हूँ इसे निकाल दो। बिली तुमने लोगों को बनाया था, तुमने लोगों को मारा है। मुझे ये कॉम्पिटिशन जीतने के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो ये है तुम्हारा दूसरा टास्क, तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि यहाँ पर करना क्या है। जो यहाँ लास्ट में खड़े रहेगा वो जीत जाएगा, और जैसे जैसे लोग गिरेंगे तुम्हारी प्राइस बनी डबल होगी। तो संभल के रहना, शुरू हो जाओ। मुझे लगता है कि ये इजी होने वाला है। ओहो भाई साहब गाइस, थोड़ा सा तो मुश्किल हो गई, इतनी आसानी से थोड़ी ना कोई पैसा दे देगा। वैसे देखा जाए तो ओ भाई साहब ये तो वापस आ रहा है, मुझे इससे संभल के रहना होगा। इसने एक साथ बहुत सारे लोगों को गिरा दिया। चलो इस बार तो ओ भाई साहब गाइस, मुझे लगा था इस बार ऊपर से होके गया, पर इसने इस बार भी गिराया। ये तो वापस आ रहा साइड में। ओ नहीं नहीं नहीं, बच गए नीचे जाने से। भाई यार ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो रहा है। कहा गया गाइस गाइस गाइस, फिर से आ रहा है। भाई साहब यार, एक साथ पूरी पलटन लेके जाती है ये प्लेन। अब बस थोड़े लोग बचे, उसके बाद बस बिली और मैं। वैसे बिली है कहाँ पर? नहीं डूड, तुम्हारे नीचे जाने का टाइम हो चुका है, तुम मजे करना, मैं इनाम के साथ तुम्हें मिलूंगा, और उस फैमिली को ज्वाइन करने के बाद बेचारा। ओह गया गाइस यार, आखिरकार मैं जीत ही गया। तो अब सुनो तुम्हारा तीसरा टास्क, डूड तुम्हें बिली को पकड़ना होगा इससे पहले कि वो $1,000 जमा कर ले। अगर उसने पहले कर लिया तो वो जीत जाएगा। ओके गाइस, तो हमें इसको पकड़ना है कैसे भी करके। बिली तू ज्यादा दूर नहीं भाग सकता, मैं तुझे पकड़ के रहूंगा। तू मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा बेवकूफ, ये मैं चला। गाइस यार ये चीज बहुत ज्यादा कूल है। कोई बात नहीं, हम लोग फिर से उसे पकड़ ही लेंगे कैसे भी करके। नहीं नहीं नहीं, बच गए। ओ नहीं, गए। आउच यार, मुझे भी वैसे छाते का इस्तेमाल करना चाहिए था। आ गया बिली यार, इसी साइड होना चाहिए था, इसी साइड से भाग रहा था वो। हम लोग यहाँ से भी कुछ जाते गाइस। ओ भाई 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 भाई, आउच। अबे रुक, तेरी की भागता का है गाइस, ये अपना कुछ ज्यादा ही मजाक नहीं उड़ा रहा है। ओ आउच, ये गाड़ी कहाँ से आ गई यार। हो क्या गया इस शहर के ड्राइवर्स को, इतना जोर से टक्कर मारा है इसने मुझे। अबे यार बिली कहाँ पर गया? नहीं उसके पैसे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। एक मिनट गाइस, वो कुछ ज्यादा आगे निकल गया है, हमें कुछ तो चाहिए, ऑनलाइन शॉपिंग हमारे काम आएगी। क्या लू ये बाइक। गाइस यार ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ही कमाल की चीज है, अभी हम लोग उसे पकड़ लेंगे। बिली बेटा अब तू ज्यादा नहीं भाग सकता। बेचारा डूड, उसे लगता है मुझे पकड़ लेगा, पर ऐसा नहीं हो सकता। हे दोस्तों मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरे लिए किसी को मारना होगा, पर टेंशन मत लो, मैं तुम्हें उसके लिए पैसे दूंगा, तुम बस उसे रोक के रखना। इसके सारे पैसे तो खर्च हो गए, इसने कहाँ पर डाले होंगे? भाई साहब इसने तो गुंडे खरीद लिए, वो चाहता है कि ये लोग मुझे रोक के रखे ताकि वो पैसे जमा कर ले, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। अबे यार आउच, क्या करे गाइस यार। अबे नहीं नहीं दूर हो जाओ मुझसे, हमें यहाँ से भागना है, पर यहाँ पर भी एक जन खड़ा है यार, ये लोग मुझे नहीं जाने देंगे। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये लोग मुझसे बड़े और ताकत में भी ज्यादा है, मैं इनको हरा तो नहीं सकता हूँ, हमें कुछ और ही सोचना होगा जिससे मैं इन्हें हरा सकूँ और रास्ते से दूर हटा सकूँ। क्या करूँ गाइस, मुझे लगता है हमें फिर से ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए। अबे नहीं, जल्दी जल्दी कुछ खरीदना होगा। नहीं ये चीज भी नहीं, ये भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि ये चीज हमारे काम आ सकती है, तो जल्दी जल्दी इसे ऑर्डर करते हैं गाइस, इससे पहले के देर हो जाए। पर अब कैसे बचेंगे, अभी हमारे पास है लॉन्चर, कैश लॉन्चर। भाई साहब मुझे नहीं पता था ये इतना ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्या लग रही है इन लोगों को मैं क्या बताऊं, और मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ये लो गाइस यार, ये चीज कमाल की है, अब इन्हें जल्दी जल्दी रास्ते से हटाना होगा। भाई यार गिर भी जाओ, ये तो बार बार खड़े हो रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इसमें असली गोली है भी नहीं, तो इनकी गलती भी नहीं है, पर इससे हमारा रास्ता तो साफ हुआ। अब बस हमें जल्दी जल्दी बिली के पास पहुंचना है, इनको कैसे भी करके यहाँ से दूर करूं मैं, ये लोग मेरा पीछा करते जा रहे हैं। चलो गाइस फाइनली वहां से निकला, वो रहा बिली। नहीं नहीं नहीं, उसके $1,000 होने वाले, उससे पहले वहां पर पहुंचना होगा, जल्दी 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 जल्दी। नहीं यार हो गए, हमारी किस्मत इतनी खराब है ना। वाह बिली क्या बात है, तुम तो जीत के काफी नजदीक हो, तुम्हें बस एक पॉइंट चाहिए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये चीटिंग कर रहा है, इसने लोगों को कैश में बदल दिया, मेरे पीछे गुंडे छोड़े, ये ऐसे नहीं जीत सकता। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारा चौथा टास्क ये है कि तुम दोनों को 1-1 पैनी मिलेगी, पर उसकी मदद से तुम्हें $5,000 जमा करने हैं, जिसके सबसे पहले हो गए वो जीत जाएगा। ओके गाइस, तो हमारे पास एक पैनी है, तो हम लोग इसका क्या कर सकते हैं। मैं सबसे पहले जाऊंगा एक पेन खरीदने। थैंक यू भाई साहब, इस पेन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलो गाइस यहाँ से हमने पेन खरीद लिए, अब आप लोग सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे टच होने से तो बहुत सारी चीजें कन्वर्ट हो रही है पैसे में, पर हम ऐसा नहीं कर सकते, ये चीटिंग होगी।
होगी, हम लोग एकदम फेयर खेलेंगे। अब ये मैं पेन बेच दूंगा इनको। ये लो सर, ये पेन आपकी हुई। तो गाइज अभी जो मुझे थोड़े बहुत पैसे मिले ना, उससे मैं जा रहा हूँ इस वेंडिंग मशीन के पास और इसमें से निकालूंगा बहुत सारी पानी की बोतलें जितनी आ सकती है, और इन पानी की बोतलों को लेके जाएंगे हम बीच के पास और वहाँ पर प्यासे प्यासे लोगों को बेच देंगे। वैसे गाइज हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पता नहीं बिली क्या कर रहा होगा। पैसा पैसा, चारों बाजू से मुझे पैसा ही मिलेगा, वाह क्या बात है। वैसे गाइज हमारे पास $1,000 तो जमा हो गए थे, पर मुझे ये रेस करनी थी तो मैंने सारे पैसे यहाँ पर भर दिए, तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। पर बात ये है कि अगर मैं ये रेस जीत गया तो मुझे मिलेंगे पूरे $5,000। क्या पता हम लोग जीत भी जाए, हमें बस पूरी मेहनत करनी है, कैसे भी करके इनको ओवरटेक करना है, इनको आगे जाने नहीं देना है। अब नहीं यार, ये लोग तो चीटिंग कर रहे, टक्कर मार रहे, हम कैसे भी इसको आगे नहीं जाने दे सकते। नहीं यार, क्या टक्कर मारी है यार, क्यों कोई फेयर खेल ही नहीं सकता क्या, सबके सब चीटिंग कर रहे हैं। इसकी तो मैं इसको अभी बताता हूँ। कहा गया हो रहा गाइज, हमारे आगे भाग रहा है, जल्दी जल्दी इसको ओवरटेक करते। फाइनली हम लोग आगे निकल गए गाइज, हम लोग जीत सकते हैं। हम लोग जीत गए पूरे $5,000। वाह डूड क्या बात है, मुझे लगा नहीं था तुम आगे जा पाओगे, पर अब तुम दोनों के पास दो दो पॉइंट है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत बात है। अपना मुंह बंद ही रखो, हमें पता है क्या गलत है क्या सही। तुमने जितनी चीटिंग की है ना अभी तक हमने जाने दी, तो चुपचाप गेम खेलो। ओ गाइस चलो, ये लोग ध्यान तो दे रहे थे। अब ये लास्ट गेम होगा जो डिसाइड करेगा कि तुम में से हमारी फैमिली का मेंबर कौन बनेगा। ये कॉइन है, जल्दी से हेड से या टेल चूज कर लो, क्योंकि बिल्ली तुमने चीटिंग की थी तो ये चांस मिलेगा डूड को। डूड जल्दी से बोलो। ओके हेड्स। गाइस यार हम लोग जीत गए। नहीं कोई बचाओ हमें। अबे यार ये बिल्ली की तो मैं, ये तो चीटिंग कर रहा है, ये तो पूरी फैमिली को उठा के चला गया। हमें जल्दी से जल्दी उनका पीछा करना होगा और उन्हें पकड़ना होगा। पर उनका पीछा मैं करूंगा कैसे, ऑनलाइन शॉपिंग ये चीज हमारे काम आएगी। कहां गए वो यही कहीं पर होने चाहिए थे। अगर ये फैमिली मेरी नहीं हुई तो मैं किसी के होने नहीं दूंगा। बिली तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं भी देखता हूँ तू कहां तक भागता है, तुझे मैं पकड़ के रहूंगा। गाइस हमें कैसे भी इस चीज को गाड़ी के ऊपर लेके जाना होगा, तभी हम उसे बचा पाएंगे। वो रही कार, मेरा पीछा छोड़ दो डूड, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। गाइस ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, हम लोग गाड़ी के ऊपर पहुंच चुके हैं, हमें बस जंप लगानी है यहाँ से। जय माता रानी, बचा लेना। ओह गाइस फाइनली हमने बिलियनियर फैमिली को बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डूड, तुम हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। बिली कहाँ पर है? क्या तुम हमारी फैमिली ज्वाइन करना चाहोगे? बिली क्या करूँ, एक काम करता हूँ, ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। गाइज यार मैं तो आया था यहाँ पर एक फैमिली ज्वाइन करने, फिर अचानक से ये मेरी बाइक है बिली भैया, प्लीज छोड़ दो, मुझे जाने दो। अबे यार ये बिली कभी नहीं सुधरेगा, ये आज भी किसी को परेशान कर रहा है। इस बाइक के आसपास इतनी सारी आग देख के मैं तो डर ही गया था, जब तक कि वो प्यारी सी खतरनाक सी और चमचमाती गाड़ी नहीं देख ली मैंने, जिसके अंदर थी गोल्ड फैमिली। और आपको पता है वो लोग बहुत ज्यादा कमाल के, उन्होंने बस अपने एक टच से उस बाइक को ठीक भी कर दिया और उसे पूरी तरीके से सोने का बना दिया। वाह भाई वाह, देख के मजा आ गया गाइस, ये तो बहुत कमाल का था। अरे अंकल ये आपने कैसे किया, थैंक यू सो मच। बेटा जैसा कि तुमने देखा, जिस किसी को भी हाथ लगाता हूँ वो सोने का बन जाता है। एक मिनट, क्या ये आप मुझे भी सिखा सकते हो? प्लीज। बेटा क्यों नहीं, किसी ना किसी दिन पक्का, पर आज नहीं, आज हम अपने बेटे को स्कूल में छोड़ने आए हैं। और ये कह के गोल्ड फैमिली वहाँ से चली गई। पर एक चीज मैंने सोच ली थी, मैं कैसे भी करके इस फैमिली को ज्वाइन करूंगा, बस एक चीज मुझे नहीं पता थी बिल्ली के दिमाग में भी यही चल रहा था, तो ये चीज हमें मुसीबत दे सकती थी। और दोस्त कैसे हो, आज का दिन कैसा गया? वेल, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इतना अच्छा नहीं गया, मेरा बैग घूम गया है। ओके गाइस यार हमारे पास यही मौका है, मुझे इसका बैकपैक ढूंढना होगा, फिर ये पक्का मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। बड़ी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बैकपैक मैं ढूंढूंगा। तो गाइस अब वो कहाँ पर हो सकता है, हम कहाँ पर ढूंढे उस चीज को? ये कौन है? अबे ये तो बिली है, रुक जा भाई, सब बैग उसी के पास है, हमें उसे चेस करना होगा। कहाँ तक भागेगा ये? मैं उसके पीछे यहाँ तक तो आ गया था, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये होने वाला है। बिली तू कहाँ पर है, मुझे यहाँ से बाहर निकाल, वो भी अभी के अभी। मुझे क्या लगा था तू बैकपैक ढूंढ लेगा, मैंने जैसा सोचा था तू मेरे प्लान में फंस गया, अब मैं उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाऊंगा। और तुझे पता है क्या, तू उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, तू यही पर कैद रहे, मैं जा रहा हूँ। गाइस यार हमें यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा।
चलो फाइनल इसके अंदर से निकले तो सही। जल्दी जल्दी चलते इससे पहले के कुछ गड़बड़ हो जाए। गोल्ड फैमिली ये देखो मैंने इसका बैग ढूंढ लिया, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। वाह बिल्ली तुमने तो कमाल कर दिया, क्या तुम मेरे घर पर चलना पसंद करोगे? हम दोनों मिलके वीडियो गेम खेलेंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम डूड है और मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड बनने के काबिल हूँ, ना कि ये बहुत ही बुरा है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो डूड? चले जाओ यहाँ से, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना कि तुम्हारा। नहीं वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। रुक जाओ बच्चों, ये लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, मेरे पास बस तुम दोनों में से एक के लिए रूम है। क्यों ना हम ऐसा करें, मैं तुम दोनों को ही गोल्ड की पावर दे देता हूँ और उसी के साथ कुछ टास्क, जो भी उन टास्क को सबसे पहले पूरा करेगा वो हमारी फैमिली को ज्वाइन करेगा। तो गाइज हम लोग जगह पर तो पहुँच गए, अब बिली और मेरे में से जो भी सबसे पहले 3 पॉइंट्स पूरे करेगा वो जीत जाएगा। तो पहला टास्क कुछ ऐसा होने वाला है, ये जो जगह दिख रही है आपको, यहाँ पर सबसे पहले कौन सबसे ज्यादा चीजों को सोने की बनाएगा वो जीत जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, अब तो गाइज हम लोग रुकेंगे नहीं। ये गया, इतने जल्दी हम सारी चीजों को सोने की बना रहे हैं। वाह क्या बात है, डूड तो कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहा है, मुझे लगता है यही जीतेगा, ये बहुत ज्यादा आगे निकल गया है। नहीं तुम ध्यान से देखो, बिली भी कम नहीं है, वो डूड से ज्यादा दूर नहीं, उसने भी बहुत सारी चीजों को सोने की बना दिया है। गाइज हमें जल्दी करना होगा। एक मिनट, हम इस अंकल के कार को सोने का बना देते हैं, इससे हमारा काम भी हो जाएगा और ये अंकल भी खुश हो जाएंगे। तो जल्दी से जाते हैं और ये बन गई सोने की। वाह बेटा क्या बात है, मुझे कब से ऐसी कार लेनी थी, तुमने तो कमाल ही कर दिया, अगर तुम नहीं होते तो ये कार मुझे कभी नहीं मिलती। अरे अंकल कोई बात नहीं, आप चिल करो। ओ नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रहा है बिली, रुक जा। ओ भाई साहब, इसने तो अंकल को ही सोने की मूर्ति बना दिया, ये तो चीटिंग कर रहा है, ये रास्ते पर चलने वाले लोगों को सोने का बना रहा है, ऐसा थोड़ी होना चाहिए, हमें अब और जल्दी करना होगा। कमॉन, और भी चीजें सोने की बनानी होगी। अरे यार बनना क्या हो रहा है। ओ भाई साहब, गाइस ये क्या है, बिली ने तो बहुत सारे लोगों को सोने का बना दिया। हो, ये क्या पड़ा है यहाँ पर, जल्दी से उठाते हैं, फायर करके देखता हूँ, क्या पता ये चीज हमारे काम की हो। अबे नहीं नहीं नहीं, आप लोगों ने देखा क्या, इसमें बुलेट्स की जगह सोना निकल रहा है, हम सोने की फायरिंग कर रहे हैं और ये चीज जिसको भी लग रही है वो सीधा सीधा सोने का बन रहा है। अबे यार ये बिली कहाँ से आ गया, यहाँ से ये चीज मुझे दे। बिली ये गलत बात है, मेरी चीज मेरे को वापस कर। भूल जाओ। नहीं 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 बिली रुक जा, इसने तो पूरे प्लेन को ही सोने का बना दिया। ओके गाइस, ये तो हमारी तरफ आ रहा है, भाग भाग भाग, जल्दी 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 जल्दी। अबे नहीं यार, के अंदर चला जाता हूँ। आउच आउच आउच, भाई साहब ये बहुत ज्यादा क्लोज था, हम लोग बार बार बचे। वैसे ये है किसका घर, जरा अंदर जाते हैं। ओ बच्चे तुम्हारा स्वागत है यहाँ पर, इतना ज्यादा टाइम हो गया यहाँ पर कोई आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे आपका घर बहुत अच्छा है। गाइस यार सच्ची बोलूं तो मुझे लग रहा है कि ये लोग गरीब है, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग ये कर सकते हैं। चलो 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 चलो, कमॉन 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 कमॉन। आउच 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 यार, जल्दी से गिर गया। चलो कोई बात नहीं, इतना सोना तो के लिए काफी होगा। आपके बेडरूम की दीवार पर बहुत सारा सोना है और वो सब आपका है। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने तो हमारी समस्या ही दूर कर दी। अरे कोई बात नहीं। गाइस यार ये आवाज कैसी, अब ये यहाँ से नहीं निकल पाएगा। नहीं 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 बिली, गाइस यार ये इसने क्या किया, इसने तो बाहर से दरवाजा ही लॉक कर दिया, अब हम लोग जाएंगे कैसे। मेरे पास एक रास्ता है, थोड़ा सा रिस्की है पर हमें ये करना ही होगा। आपके घर में खिड़की कहाँ पर है, ये रही, अब जल्दी से तोड़ता हूँ। गाइस यार हमें बहुत जल्दी करना होगा, हमारे पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम है। कमॉन कमॉन कमॉन। अबे नहीं यार ये क्या हो गया, ये तो मुझसे पहले पहुंच गया। तुम दोनों का समय अभी समाप्त होता है, ये राउंड यहीं पर खत्म। आखिरकार मैं जीत ही गया। गाइस यार ये तो बहुत गलत हुआ, तो इस राउंड का विनर है बिली, ये अब तुम्हारे पास एक पॉइंट है। गाइस यार मामला तो बिगड़ते जा रहा है। गाइस यार बिली के पास एक पॉइंट है और हमारे पास एक भी नहीं, वो बस 2 पॉइंट दूर है अपनी जीत से, हमें कुछ तो करना होगा। तो गाइस गोल्ड फैमिली ने जैसा बताया था हमें, ये वो ट्रेन है जिसके अंदर बहुत सारा सोना रखा हुआ है और हमारा टास्क ये है कि हमें टर्न बाय टर्न इसे रोकने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले टर्न है बिली की, अब देखते वो जीतता है या नहीं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इसने बहुत सारी कार्स का इस्तेमाल किया है। अच्छा आइडिया था बिली, पर काम नहीं किया। अरे यार ये क्या हो गया, ये तो प्रॉब्लम हो गई। कोई बात नहीं दोस्त, कार वाला आइडिया अच्छा था, पर मैं तुम्हें इससे भी अच्छी एक चीज बताता हूँ। तो गाइस अभी हमारे पास एक चांस है ये जीतने का, तो चलिए जीत को अपने नाम करते हैं। बिली ने लगाई थी कारें और मेरे पास है बहुत सारी मात्रा में टैंक्स, तो हमें बस इंतजार करना है कि ट्रेन आए और इससे टकरा के रुक जाए, उसके बाद तो जीत अपनी है भाई।
उप्स गाइस, अब ये नहीं होना चाहिए था। अब यार, अब बिली के पास एक और चांस है, वो पक्का जीत जाएगा। अब ये देखो मैं क्या करता हूँ, और ये रुक गई ट्रेन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो गाइस अभी अपनी बारी है, और ये गई हमारी शिप। यार क्यों? ये क्या, मुझे लगता है ये तुम दोनों के बस की बात नहीं है। मुझे तो लगा था तुम दोनों में से कोई ना कोई ये चीज पूरी कर ही देगा, पर ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों से ही नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें क्लू देता हूँ। इस ट्रेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें उस चीज के अंदर मिलेगा। अबे यार, ये सब तो मैंने सोचा भी नहीं था। तो चलो बिली चलते हैं। बिली, अबे ये कहाँ पर गया? सी यू लूजर, अभी मैं जीत के आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिली भाई पर रुक जा। गाइस हमें कुछ करना होगा इससे पहले कि ये उस बलून तक पहुंचे। यहाँ पर कोई तो इजेक्ट बटन होगा। कहा गया ये रहा, और ये गया बिली बाहर। गाइस हमें बहुत ज्यादा जल्दी करना होगा। वो रहा हॉट बलून ठीक हमारे आंखों के सामने। जल्दी से उसके पास जाते हैं। मुझे बस इस प्लेन को उसके ऊपर लेके जाना है और वहाँ से जंप लगानी है। हम लोग काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुके हैं, और यही टाइम है गाइस जल्दी से बाहर निकलता हूँ। कूद जा भाई, पैराशूट खोल। हाश, चलो ये काम भी हो गया। गाइस यार, अगर आपको भी मजा आ रहा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, इसके अंदर तो बहुत सारे बॉम्ब है, ये हमारे काम आएंगे। गाइस वो सारे बॉम्ब मैंने उठा लिए उस बलून में से। अभी बारी है बूम बॉम्ब की। जल्दी से सब जगह बॉम्ब लगाते हैं ट्रेन में, और ये हमारा काम हो गया। अभी हमें बस इंतजार करना है, और ये हुआ धमाका। उसी के साथ हमारी ट्रेन स्लो होकर रुक चुकी है, और हमने कलेक्ट कर लिए अपने पॉइंट्स। वाह क्या बात है डूड, आखिरकार तुम्हें तुम्हारा पहला पॉइंट मिल ही गया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तो गाइस ये है GTA 5 डायमेंशन का मैप, और जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, गोल्ड फैमिली उस बोट में गोल्ड को कहीं पर लेके जा रही है, और हमें उसके पास जल्दी से जल्दी पहुंचना है। हम दोनों में से जो भी उसके पास पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। तो बिली तैयार है? मैं तो कब से तैयार हूँ, तुम अपना ध्यान रखो। गाइस हमें बस उस बोट को पकड़ना है जिससे कि ये पॉइंट हमारा हो जाएगा, और हम लोग बिली से आगे निकल जाएंगे। डूड मेरी बात सुनो, मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। ओ भाई साहब क्या हो गया? बिली तू ठीक है ना? आखिरकार फंस गए, ये लो। गाइस यार ये क्या हो रहा है, मुझे धुंधला सा क्यों दिखाई दे रहा है? उसने मेरी आंख में क्या स्प्रे किया? चलो फाइनली हल्का हल्का दिखने लगा मुझे। पर एक मिनट, हम लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, बोट तो उस साइड थी। अबे यार बिली तो कुछ ज्यादा ही नजदीक पहुंच गया उसके। अगर मैं अभी वापस चला भी गया तो भी उस तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे कुछ और करना होगा। अब देखते हैं कि ये प्लान काम करता है या नहीं। मैं जा रहा हूँ इस टनल के अंदर से। ओ भाई साहब, ये सब क्या है यहाँ पर? अबे नहीं नहीं, ये मेरे पैर को किसने छुआ? तो यहाँ पर कोई क्रोकोडाइल तो नहीं? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्ली तो बाहर है ना। अबे यार ये सुरंग तो बहुत ही ज्यादा गंदी है। चलो फाइनली हम लोग यहाँ से बाहर निकले। वो रही बोट। गाइस हम लोग बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच गए, हम लोग बिल्ली से आगे निकलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ओ ओ ओ ओ नहीं यार, क्यों? बिल्ली फिर से पहुंच गया जल्दी। तो ये वाला पॉइंट भी मिलता है बिल्ली को। मुझे तो पता था मैं ही जीतूंगा। ये फैमिली ज्वाइन करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो गाइस ये रहा नेक्स्ट टास्क। ये लोग यहाँ से क्रेट फेंकने वाले हैं पानी के अंदर, जो कि आप लोगों को दिख रही होगी, इन्होंने फेंक ही दी है। जो भी इस क्रेट को सबसे पहले ढूंढेगा वो जीत जाएगा। गाइस 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 जल्दी भागते हैं, वो क्रेट पानी के अंदर है, हमें बस जल्दी से जल्दी उसे ढूंढना है। पर ऐसे नहीं, हमें मिलेंगी दो सबमरीन, एक बिली को और एक मुझे। तो जल्दी से जाके इसमें बैठते हैं, और वैसे भी इसके मदद से ढूंढने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। कहाँ पर गई वो क्रेट, कहाँ पर गई? यही कहीं पर होनी चाहिए। कहाँ गई? ओ नहीं, अब ये कैसी आवाज थी? जो भी चीज है ना बहुत ज्यादा ही भयानक है। गाइस मुझे लगता है हमें कहीं पर छुप जाना चाहिए। इन्हीं झाड़ियों के पीछे छुप जाता हूँ तो किसी को दिखूंगा भी नहीं। रुक जा, ज्यादा आवाज मत कर। आराम से पता नहीं क्या होगा वहाँ पर। ओ आप लोग देख रहे हो क्या, इतनी बड़ी शार्क है, मेरा तो दिल ही मुंह में आ गया था। चलो अब वो गई तो हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं। एक मिनट, वो क्या है? ये रही हमारी चमचमाती सोने की क्रेट, आखिरकार हमें मिली गई, और ये मैंने उसे ले लिया। पर सवाल ये उठता है कि बिली कहाँ पर गया, क्योंकि वो तो हमेशा ही मेरे पीछे लगा हुआ होता है। उसकी सबमरीन भी ये रही, पर ये तो यही पर है, बिली इसके अंदर नहीं है। हमें जाके ढूंढना होगा गाइस उसको, और पता लगाना होगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। कोई है यहाँ पर, प्लीज हमें इसके अंदर से बाहर निकालो, हम लोग इसके अंदर फंस गए हैं। अबे इसके अंदर कौन हो सकता है? गाइस यार जल्दी से इस बॉक्स को फोड़ते हैं। ये ले गोल्ड फैमिली। गाइस यहाँ पर क्या हुआ था, मुझे जल्दी से बताओ। ये उस बिली का काम है, उसे जैसे ही पता लगा कि तुम जीतने वाले हो, उसने हमें इस बॉक्स के अंदर पैक कर दिया और यहाँ से चला गया। हमें उसे पकड़ना होगा। एक मिनट, तुम्हारा मतलब बिली ने तुम लोगों को बॉक्स के अंदर पैक कर दिया और तुम उस बॉक्स को सोने का नहीं बना पाए? इसका तो एक ही मतलब है कि बिली ने तुम्हारी गोल्ड पावर चुरा ली है। वो अब कहाँ पर होगा?
सब लोग मेरी बात सुनो, आज से मैं खुद को गोल्डन किंग घोषित करता हूँ। तुम्हारी जितनी भी कारें हैं, जितनी भी बाइक है, आज से वो सब मेरी हुई, और जिसने भी मुझे रोकने की कोशिश की उसका ये अंजाम होगा। ओ भाई साहब, ये तो गड़बड़ हो गई गाइस, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो शहर के सारे लोगों को सोने में बदल देगा। उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, हमें उसे रोकना होगा। पर ये तुम करोगे कैसे? वेल, उसके लिए मुझे थोड़ी खरीदारी करनी पड़ेगी, मतलब के शॉपिंग। वैसे गाइस एक बात बताओ, क्या तुम लोगों के पास अभी भी कुछ सोना पड़ा है? तो गाइस आखिरकार मैंने वो चीज खरीदी ली जिसकी मुझे जरूरत थी, हमारा गोल्डन प्लेन, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा है। अब आप लोग देखो कि मैं क्या करता हूँ, हमें बस बिली की लोकेशन पर जाना है और उसके बाद बिली का खेल खत्म। तो गाइस हमारे प्लेन को तो यहीं पर पार्क कर देते हैं और जाते हैं बिली के घर के अंदर। अभी आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे, मैंने बस प्लेन इसलिए तो नहीं खरीदा ताकि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँ, तो ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को जल्दी पता चल जाएगा कि इस प्लेन का क्या काम था। बुरा बिली, हमें बस उसे जाके भड़काना है। बिली यार, तू पीले कलर में एकदम टट्टी जैसा लग रहा है, बहुत ही गंदा, ऐसा लग रहा है स्पंजबॉब आ गया। वैसे वो भी तुझसे अच्छा दिखता है। भागते कहाँ पर हो, आज तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। गाइस यार, बस हमें यही करना है, उसे अपने पीछे भगाना है, इस पीले रंग की टैक्सी को। आजा भाई। भागता कहाँ पर है, डरपोक, हिम्मत है तो यहाँ पर आजा। अरे नहीं है हिम्मत, तू आजा। बस बस बस, हमारा काम होने वाला है, हमारी जेट कहाँ पर गई? ये रहा हमारा प्लेन, अब आगे का काम हमारा प्लेन करेगा। अब मैं जल्दी से इस प्लेन को ऑन कर देता हूँ जिससे कि बहुत सारी गर्म हवा निकलेगी, और उससे क्या होगा आप लोग देख लीजिए, बिल्ली कुछ ही देर में पिघल जाएगा क्योंकि वो पूरी तरीके से सोने का है। और ये गया। वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, अब तुम हमारी फैमिली ज्वाइन कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो, मुझे गले लगा लो। तो ये हमेशा की तरह मेरे लिए एक नॉर्मल दिन ही था जब तक कि ये नहीं हुआ। इसे मुझे वापस करो, ये मेरी है। ओहो, भाई साहब यहाँ पर चल क्या रहा है? बिली एक गरीब इंसान को परेशान कर रहा है। वैसे चला तो बहुत अच्छी रहा है और कुछ ज्यादा ही फास्ट चला रहा है। अब मुझे डर लग रहा है ये कहीं इस गाड़ी को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। और भाई साहब मुझे लगता है ये तो गई, पक्का गई। बिल्ली यार, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत है। अरे कम ऑन डूड, इतना भी कुछ नहीं हुआ है, ये बस एक छोटा सा स्क्रैच ही है। वेल, ऐसा लग तो नहीं रहा है। गाइस यार, बिल्ली तो है ही ऐसा, मुझे तो उस गरीब पे दया आ रही है। ये रहा वो बेचारा, मैंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई इस गाड़ी को खरीदने में लगा दी थी और उसने एक पल में सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैं तो लुट गया। काश गाइस हम लोग इसकी मदद कर पाते। वो भाई साहब, ये कहाँ से आया अचानक से, इसमें है कौन? ओ बेचारा गरीब आदमी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे है मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ, ये लो। ओहो गाइस, इसने तो गाड़ी को एकदम से ठीक कर दिया और पहले से बेहतर हो गई है। वो क्या बात है, तुमने कमाल कर दिया, थैंक यू। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, पर इस डायमेंशन में इस गरीब की तरफ बहुत लोगों को ऐसी मदद चाहिए। मुझे लगता है मुझे आपकी फैमिली ज्वाइन करनी चाहिए। किसी न किसी दिन तो तुम हमारी फैमिली जरूर ज्वाइन करोगे, पर अभी हमें एक इवेंट के लिए निकलना है, बहुत अर्जेंट। बाद में मिलते हैं बच्चे। तो इस तरह वो डायमंड फैमिली वापस से लौट गई, पर अभी हमारा एक मिशन, हमें किसी भी तरह उस फैमिली को ज्वाइन करना है। पर अनफॉर्चुनेटली बिली के दिमाग में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर वो डायमंड फैमिली मूवी के लिए आई थी, पर अचानक से वहाँ कुछ ऐसा होता है। मेरी डायमंड रिंग, चोर चोर। ओ नहीं गाइस, ये तो उसकी रिंग चोरी करके भाग रहा है, हमें इसे कैसे भी करके पकड़ना पड़ेगा। हम इसका पीछा तो कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा डेंजर हो सकता है, पर गाइस हमारे पास एक ही चांस है, अगर हमने वो रिंग उस लेडी को लौटा दी तो उस फैमिली को ज्वाइन करने के हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे। अबे भागता का है, रुक, ये कुछ ज्यादा तेज नहीं भाग रहा है, इसको तो मैं अभी पकड़ता हूँ। रुक जा भाई, एक मिनट, ये बिली सेट क्यों जा रहा है, वो भी इतने स्पीड में। छोड़ो अपने को, क्या हम तो जो करना है वो करते हैं, इस चोर को पकड़ना है कैसे भी करके। हाँ फंस गया, आगे भागने के लिए रास्ता ही नहीं है, अब कहाँ पर जाएगा। ये ले, चुपचाप से मुझे वो रिंग वापस कर दे, वो तेरी नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बिली ने पैसे दिए थे वो रिंग चुराने के लिए, मैंने बस अपना काम किया है, और जब वो मेरे बाजू से गुजरा मैंने उसे वो रिंग दे दी थी, प्लीज मुझे छोड़ दो। गाइस यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे पता होना चाहिए था कि बिली ऐसा कुछ करेगा। मुझे जल्दी से वहाँ पर जाना होगा जहाँ पर वो मूवी इवेंट होने वाला था, और उन्हें जाके बताना पड़ेगा कि बिली ने ये सब किया है, वो आपका फायदा उठा रहा है। ये रहे वो लोग। हे लेडी, ये रही आपकी रिंग। वाह बच्चे, क्या बात है, तुमने कमाल कर दिया, क्या तुम हमारी फैमिली ज्वाइन। एक मिनट, ऐसा नहीं हो सकता। पर इसने मेरी रिंग ढूंढ के दी है। डूडिया से चले जाओ, अब ये मेरी फैमिली है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, जब इन्हें पता चलेगा ना कि तुमने क्या किया है, वो तुम्हें कभी भी ज्वाइन करने नहीं देंगे। रुक जाओ, तुम क्यों फालतू में लड़ रहे हो, हमारी फैमिली को बस एक ही बंदा ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर बस इतनी ही जगह बची है। हम तुम दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन करवाते हैं, तुम दोनों में से जिसके सबसे पहले 3 पॉइंट हुए वो जीत जाएगा और हमारी फैमिली ज्वाइन करेगा, तो तैयार हो जाओ। तो गाइस वॉर छिड़ चुकी है मेरे और बिली के बीच में, हम दोनों में से सबसे पहले जिसके
उसके 3 पॉइंट हो जाएंगे वो इस फैमिली को ज्वाइन करेगा। तो पहला टास्क ये है GTA 5 डायमेंशन का सबसे बड़ा म्यूजियम, जिसके अंदर रखा हुआ एक बड़ा सा शाइनी डायमंड, जिसके आजू बाजू 24/7 सिक्योरिटी रहती है जो कि वहाँ की रक्षा करती है। तो तैयार है बिली, हमें वो डायमंड लेना है, जल्दी जल्दी जाके छुपते यहाँ पर। गाइज मुझे तुम्हारे लक की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे एक चीज चाहिए। गाइज यार क्या चाहता है? अबे नहीं, ये क्या किया इसने? ओ नहीं 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 नहीं, गार्ड को पता चल गया गाइस, फटाफट भागना पड़ेगा, हमें कहीं पर जाके छुपना होगा। अपनी आवाज स्लो कर लेता हूँ। फाइनली आगे गया भाई, मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा इसने मुझे देख लिया। एक मिनट, क्या ये यहाँ से निकल रहा है? अब देखने में तो ऐसे लग रहा है, मुझे लगता है इसके लीव का टाइम हो गया। ओ ये तो जाते जाते लाइट भी बंद करके गया है। अब वो डायमंड मैं ले लूंगा। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस अंधेरे म्यूजियम में रात गुजारना नहीं चाहता। एक मिनट गाइस, ये कैसी आवाज थी? अबे इस म्यूजियम के अंदर की चीजें तो जिंदा हो रही है, ये डायनासोर तो मेरी तरफ आ रहा है। भाग 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 डूड, ऊपर ही वो डायमंड होना चाहिए, हम सबसे पहले वो ले लेंगे और ज्वाइन करेंगे डायमंड फैमिली को। जल्दी जल्दी, हम लोग काफी ज्यादा नजदीक है, मुझे लगता है ये वाला पॉइंट तो हमारे हाथ में बस। ओ नहीं, अब ये कहां से आया? पहले डायनासोर, अब ये तो कुछ अलग सा ही लग रहा है। ओ बच गए गाइस। अबे यार ये तो अपना ही पीछा कर रहा है, मैं बस उस डायमंड तक पहुंचना है, जल्दी से पीछा छुड़ा के। फटाफट फटाफट फटाफट, ये रहा वो डायमंड आखिरकार सबसे पहले हमने देखा। अब ये कैसी आवाज है? ओ नहीं, ड्रैगन तो डायमंड लेके बाहर उड़ गया, हमें किसी भी हालत में वो चाहिए। वो कहाँ पर लेके जा रहा है इसको? एक मिनट, ऐसा लग रहा है उसने वो डायमंड वहाँ पर गिरा दिया है। अब बिली और मेरे बीच में रेस होने वाली है, हम दोनों में से सबसे पहले वो डायमंड जिसे मिलेगा वो जीत जाएगा और वो हम ही लेंगे। ओके गाइस, तो हमारा पॉइंट हमारे हाथ से चला गया। जरा देखो तो सही, हमें पहले टास्क का विनर मिल चुका है और वो है बिली। वाह बिली, तुम्हारे पास अब एक पॉइंट है। गाइस यार ये बहुत ज्यादा बुरा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलो छोड़ो, दूसरा कंपटीशन यहाँ पर होने वाला है आधे शहर में, जिसमें बिली और मुझे पावर मिले कि हम जिस भी चीज को छुएंगे वो डायमंड की बन जाएगी। हमें इस आधे शहर में घूमना है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को डायमंड में बदलना है। तो अब जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते गाइज, हमें तेज तेज भागना होगा इससे पहले कि बिली ज्यादा जगह कवर करे। गाइज यार हमें और डायमंड जमा करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसे डायमंड खरीदने गए तो उसके लिए पैसे चाहिए और पैसों के लिए अच्छी जॉब चाहिए, और बहुत टफ होता है किसी भी अच्छी कंपनी में जॉब पाना, और आजकल तो काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं, असाइनमेंट, इंटरव्यू कॉल के नेवर एंडिंग लूप, बाप रे बाप। और इतनी मेहनत के बाद वी विल गेट बैक टू यू, तो भैया क्रश के रिजेक्शन से भी बहुत ज्यादा चुभता है। बट सबसे बड़ी मुसीबत आती है जॉब ढूंढने में, अच्छी जॉब मिलती का इतनी आसानी से? क्या इन परेशानियों का हल मिलेगा? मिलेगा, हायरेक पे जाके टीम लीडर और एचआर मैनेजर से डायरेक्ट चैट करो और हायर हो जाओ, वो भी बिना किसी कंसल्टेंट के। वहाँ पे 120K से भी ज्यादा कंपनीज डायरेक्ट हायर कर रही है, आपको कुछ नहीं करना, बस सीधा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना और ऐप को इंस्टॉल करना है। उधर क्वेश्चन के आंसर दे के प्रोफाइल बनानी है और उसके हिसाब से ऐप का एल्गोरिदम आपको रिक्रूटर से मैच करवा देगा। और अगर बात प्राइवेसी की है तो आपकी कोई भी डिटेल बिना परमिशन के रिक्रूटर को नहीं मिलेगी। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करो और न्यू अपॉर्चुनिटी को वेलकम करो। वाह क्या बात है, मुझे लग रहा है कि डूड बहुत अच्छा कर रहा है, वही आगे निकलेगा, उसे लीड मिली है। हाँ और बिली को देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहा है, अब देखते हैं कौन जीतता है। गाइस अगर हमें ज्यादा से ज्यादा डायमंड बनाने तो हमें ऐसी जगह कवर करनी पड़ेगी जहाँ पर बहुत सारे ऑफिस है, और वो है ये बिल्डिंग, ये पूरी ऑफिस से भरी हुई है। हम जल्दी से इसके अंदर जाते हैं भाई, यहाँ पर हमें मिलेंगे बहुत सारे कंप्यूटर्स, टेबल और भी बहुत कुछ मिलेगा। ये रही वो सारी चीजें, धनाधन धनाधन धनाधन, सब डायमंड में बदल दूंगा मैं। मुझे लग रहा है मैं बिली से बहुत ज्यादा आगे हूँ। गाइस यार कमाल हो गया, अब ये थोड़ी हाईटेक सी जगह लग रही है मुझे, पर हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो डायमंड बनाने से मतलब है और वो काम हम करेंगे ही करेंगे। तो शुरुआत यहाँ से करते गाइस, सीधा जाते और इसको बनाते। उप्स, अब ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लग गई वाट। ओ भाई साहब बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई गाइस, जगह तो पूरी जल के खाक हो गई है। अब यहाँ पर कुछ करने को है नहीं, हमें सबसे पहले तो यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और उसके लिए सबसे आसान रास्ता है ये लिफ्ट। हम लोग फटाफट नीचे जाते हैं। इस डूड के बच्चे को तो मैं बाहर निकलने ही नहीं दूंगा, जगह को डायमंड से पैक कर देता हूँ। ओ नहीं, ये दरवाजा तो बाहर से लॉक है, मैं बाहर नहीं निकल सकता। गाइस यार ये पक्का बिली की खुराफात है, जब तक हम लोग यहाँ पर है ना वो ज्यादा से ज्यादा डायमंड जमा करेगा, पर हमें तो इनकी मदद करनी पड़ेगी क्योंकि ये लोग यहाँ पर हमारी वजह से फंसे। पर मैं करूंगा क्या यार इनको निकालने के लिए यहाँ से? चिंता मत करो, मैं तुम लोगों की मदद करता हूँ। सब लोग जल्दी से उसमें चढ़ो और नीचे उतरो। तो गाइस फाइनली हमने इनको बचा ही लिया, मतलब कि उस ऑफिसर ने, पर तुम लोग संभल के रहना, अगर बिली को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वो तुम सबको डायमंड में बदल देगा। बस इतना सा काम कर लेना मेरे लिए कि छुप कर रहना। अब हम लोग जल्दी से जाते और अपना काम पूरा करते, बिली पहले से बहुत ज्यादा आगे। चलो डूट गया, अब मैं अपना काम करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे लिए छोड़ दिए उसने।
ओ नहीं गाइस, यार बिली ने सबको डायमंड बना दिया, ये उसने बहुत गलत किया, पर हमें कुछ तो करना होगा जिससे हम आगे निकल सके। कल ये चीज हमारे काम आएगी। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा, तो रुको मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये किया मैंने फायर, इसमें गोली की जगह निकलते हैं डायमंड्स, जो कि गिरने के बाद बहुत छोटे छोटे डायमंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो डायमंड जब किसी को लगते हैं तो वो भी चीज डायमंड की बन जाती है। इससे हमारे पॉइंट्स बहुत जल्दी इंक्रीज होंगे। फटाफट सब जगह फैला देते हैं इनको, पर हमें अभी भी कुछ ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा, इससे काम नहीं बनने वाला। अच्छा ठीक है, मुझे मिल गया, इससे हमारा काम हो जाएगा। और ये गया, मैंने पूरे बलून को डायमंड का बना दिया और हमारा काम हो गया। ऐसा लग रहा है डायमंड की बारिश हो रही है। वाह गाइस, हमारे पास बहुत ज्यादा पॉइंट्स आ गए, ये तो गिरते ही जा रहे हैं, इस बार पक्का मैं ही जीतूंगा। जल्दी 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 भागो डूड। वाह क्या बात है डूड, इस बार तुमने कमाल कर दिया, तुम्हें अपना पहला पॉइंट मिल गया है, बधाई हो। वैसे मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है और मुझे खुद पर बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि मैंने जानबूझ के किसी को डायमंड में नहीं बदला, वो भी जीतने के लिए। तैयार हो जाओ तीसरे टास्क के लिए। तो गाइस जैसा आप लोग देख सकते हो, डायमंड फैमिली अपनी कार में बैठ के बहुत ही ज्यादा स्पीड में निकल चुकी है और हम को उनको कैच करना है, जो सबसे पहले पकड़ेगा वो जीत जाएगा। अब फटाफट निकलते भाई, अगर हमें पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। अबे यार कैसे भी करके हमें बिली से आगे निकलना है, हम दोनों को एक एक पॉइंट से, और हमें निकलना है उससे आगे। मुझे चाहिए पूरे के पूरे 3 पॉइंट्स। अबे नहीं नहीं, ये बिली तो टक्कर मार रहा है। एक मिनट गाइस, ये क्या हो रहा है, कुछ तो अजीब है। ओके हमारी कार बन चुकी है एक सुपर कार, और उसके साथ मिली हमें एक बूस्ट स्पीड। अभी मैं समझा, अगर हम दोनों की गाड़ी एक दूसरे से टकराती है तो दोनों में से एक की गाड़ी है ना सुपर स्पीड वाली बन जाएगी। हमें इस चीज का फायदा उठाना है और आगे निकलना है। जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाता हूं भाई, कमाल हो गया, इस गाड़ी की स्पीड बहुत अच्छी है। काम करते गाइस, यहां से निकलते हैं, मुझे बिली कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है। शॉर्टकट तो नहीं मार रहा है वो, चलो अपने लिए तो अच्छा ही है, अगर नहीं आ रहा है तो और भी अच्छी बात है। ओ नहीं गाड़ी ने हमें टक्कर मारी और उसे अब सुपर स्पीड मिल चुकी है। ये तो कमाल की है गाइस, अब ये गड़बड़ हो चुकी है। अगर हमें बिली से आगे निकलना है और उसे हराना है तो मुझे मजबूरन एक शॉर्टकट लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में है एक प्लान। चलो फाइनली पहुंच गए, बिली यहीं से आता होगा। अगर हम दोनों एक दूसरे से एकदम स्पीड में टकराए तो शायद हम दोनों की गाड़ी सुपर कार बन जाएगी। आ गया बिली, बस उसे ढूंढना है पूरा। जल्दी से टक्कर मारता है गाइस। ओहो भाई, जैसा मैंने सोचा था गाइस वैसा ही हुआ, हम दोनों की गाड़ी बन चुकी है एक सुपर कार और दोनों के पास है सुपर स्पीड, तो देखते कौन जीतता है। और ये चले, ओहो भाई साहब, हम दोनों बहुत ज्यादा नजदीक है गाइस, मुझे लगता है इस बार हम लोग जीत जाएंगे। पर जल्दी जल्दी पहुंचना है, ये कुछ ज्यादा स्पीड चला रहा है। अबे नहीं 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 नहीं, क्या हो रहा है क्या हो रहा है यार, गलत टाइम पे ये सब होता है। चलो चलो अभी भी हमारे पास टाइम है गाइस, हम लोग इसे पीछे कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से बिल्ली जीत गया, क्यों ये गलत है, वो फिर से हमसे आगे निकल गया यार, अब उसके पास 2 पॉइंट है। हमारा है ना नसीब खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। वेल बिल्ली तुम्हारे पास अभी 2 पॉइंट है और डूड तुम्हारे पास 1, इसका मतलब बिल्ली आगे है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉम्पिटिशन की तरफ। तो इस बार का जो टास्क है वो कुछ इस तरह का है। इस गेट के अंदर है एक टनल जहाँ पर छुपा हुआ एक डायमंड, तुम्हें वो लेके आना है। ओके गाइस, ये सुनने में तो इजी लग रहा है, पर मुझे पता इतना इजी नहीं होने वाला। ओ डूड तुम पहले चले जाओ। यू भाई ऐसा, मुझे जीतना तो है पर अब मैं इन चीजों से बोर हो चुका हूँ। देख इतनी फिक्र तो तू दिखाई मत, तेरे दिमाग में पक्का कुछ चल रहा होगा। अच्छा ठीक है, तुम पहले जाओ, तुम्हारे बाद में जाऊंगा। चलो गाइस, जब ये इतना बोल ही रहा है, क्या पता इसको हमारे लिए थोड़ी दया आ गई हो, जब चांस मिला है तो फायदा उठा ही लेते हैं। चलते हैं अंदर, वैसे मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, पता नहीं अंदर क्या होगा। भाई यार यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मेरे अंदर जाने में थोड़ी सी फट रही है, पर अंदर जाना होगा गाइस, हमें वो डायमंड वापस लेके आना है। चलते हैं चलते हैं। तुम लोग मेरा बहुत टाइम खा रहे हो। एक मिनट, ये आवाज कहाँ से आई? बिली क्या कर रही है? मुझे तुम्हारी पावर चाहिए, तुम लोग मेरे साथ चलोगे वरना तुम लोग बचोगे नहीं। हमें जाने दो, ये तुम क्या कर रहे हो? कोई बचाओ हमें। अबे यार ये क्या कर रहा है बिली, रुक जा, मैं बोलता अभी रुक जा। यार ये खुल भी नहीं रहा है, जल्दी जल्दी टूट। फाइनली टूटा, आखिर में उसने अपना असली रंग बता ही दिया ना, मुझे उस पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, वो एक नंबर का धोखेबाज है। हमें जाके डायमंड फैमिली को बचाना होगा, वो पता नहीं उसे कहां पर लेके गया होगा। जल्दी जल्दी जाते हैं गाइस, जल्दी से ढूंढना है उन्हें। मेरी बात सुनो, जल्दी से इस प्लेन को डायमंड प्लेन में बदलो, मुझे ये चाहिए। अब मैं तुम दोनों को मल्टीवर्स में लेके जाऊंगा और वहाँ अपना अलग डायमंड का किंगडम बनाऊंगा, तुम दोनों मेरे वहाँ काम करोगे। नहीं नहीं गाइस, ये क्या हो रहा है, वो तो उन दोनों को प्लेन में लेके निकल रहा है, मैं कैसे भी करके उसे रोकना होगा। यहाँ पर एक चीज हमारे काम आएगी जो हमें पहले मिली थी, वो है ये गन। अब तो ये गया पूरा प्लेन गाइस, अब इसकी वाट लगाते ही हमारे पास यही मौका है, ये हमारे अभी सबसे ज्यादा नजदीक है, तो निशाना बहुत अच्छे से लगेगा। तो गाइस जल्दी से तैयार होते हैं और ये गया। ओहो भाई साहब, आउच बहुत जोर से लगी यार। अबे ये तो डायमंड वैसे गिर रहे हैं जैसे हमने वो बलून फोड़ा था तब गिरे थे। चारों बाजू डायमंड की बारिश हो रही है भाई। वैसे मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, मुझे चिंता है डायमंड फैमिली की, पता नहीं वो लोग सेफ होंगे या नहीं। जल्दी से जाके देखते हैं गाइस, ये रहे वो लोग, ये तो पूरी तरीके से ठीक है। ओ डूड तुमने कमाल कर दिया, तुमने हमारी जान बचा ली, क्या तुम हमारी फैमिली ज्वाइन करोगे? हाँ क्यों नहीं, जरूर। उप्स, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई।
गाइस यार हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए। वो ये क्या है शाइनी शाइनी? ये तो किसी टाइप का मेडेलियन लग रहा है। अगर हम लोग इसको इंटरनेट पे बेचेंगे तो हमको बहुत सारा पैसा मिलेगा, हम लोग अमीर बन सकते हैं गाइस। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ है आपको? रो क्यों रहे हो? बेटा मेरी बात सुनो, मैंने अपने ग्रैंड डॉटर का फेवरेट मेडेलियन घुमा दिया। क्या तुमने उसे कहीं पर देखा है यंग मैन? मुझे लगता है कि ये आपका लकी डे, क्योंकि वो मुझे वहाँ पर पड़ा हुआ मिला था। प्लीज मुझे दे दो। अरे क्यों नहीं, ये तो आपका ही है ना, और वैसे भी ये तो मेरा फर्ज था। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। गाइस ये तो एक निंजा है, और ये सीधा सीधा कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ भाग रही है। कहीं हमने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया? वो हमें बेवकूफ बना के चली गई। हम लोग भी पागल है यार। तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने इस मल्टीवर्स की सबसे खतरनाक चीज उसके हाथ में दे दी। अब वो मेडेलियन रेड निंजा क्लैन के हाथ में है, हमें उसे वापस लेना होगा। गाइस यार मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, पर ये लोग मुझे अच्छे लोग लग रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए, तो जल्दी जल्दी चलते हैं और इनकी मदद करते उस रेड निंजा को पकड़ने में। ये हमारी गलती है तो हम ही सुधारेंगे इसको। पर वो लोग गए कहाँ पर? अभी तो यही पर थे। गाइस वो रहे, वो रेड निंजा पकड़ में आने ही वाली है। कम ऑन तुम कर सकते हो। अब का भागेगी, ये तो एंड है। ओ तेरी की। अब ये प्रॉब्लम वाली बात है, मैं भूल कैसे सकता हूँ कि वो एक निंजा है। कोई बात नहीं गाइस, हम भी वही करेंगे जो हम हमेशा से करते आए, और वो है सबकी मदद करना। तो जल्दी से शुरू करता हूँ इस मशीन को, और ये हो गया। वाह गाइस क्या बात है, हमारा प्लान काम कर गया। वो लोग इसे आराम से क्रॉस कर सकते हैं। अब हमारी वजह से वो पकड़ी जाएगी, क्योंकि उसके पास आगे कोई रास्ता ही नहीं है। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। ओ नहीं 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 नहीं, ये बस एक डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि असली रेड निंजा तो यहाँ पर है ही नहीं, वो तो यहाँ से भाग रही है। गाइस यार हमें कुछ करना होगा। रुक जाओ, तुम भागती कहाँ पर हो? मैं आ रहा हूँ, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं कहता हूँ अभी के अभी नीचे उतरो, वो मेडेलियन तुम्हारा नहीं है, मुझे अभी के अभी वापस करो उसे। वो मेडेलियन मेरा है, और उसकी जो पावर है वो भी। तुम लोग अब मेरा कुछ नहीं कर सकते, अब जाओ यहाँ से। वो 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 वाओ जाओ जाओ, मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। गाइस यार ये हमारा एक चांस था उसे पकड़ने का, और वो ड्रैगन मेडेलियन रेड निंजा क्लैन के हाथ में है, जिससे वो लोग दुनिया बर्बाद कर सकते हैं। सबसे पहले इस गद्दार को यहाँ से निकालो, इसी की वजह से वो मेडेलियन हमारे हाथ से गया। अब ये बदतमीज कौन है जो मुझसे ऐसे बात कर रहा है? ये तुम्हारी ही गलती है। नहीं रियो, हमें गुस्सा करना नहीं सिखाया जाता है। इसने जो भी किया अनजाने में किया, पर उसी के साथ इसने उस रेड निंजा से अकेले पंगा लेने की बहादुरी दिखाई। हम इसे अपने साथ रख सकते हैं। हमें 10 घंटे में रेड निंजा क्लैन डोजो पर अटैक करना है, और उस मेडेलियन को वापस से प्राप्त करना है। ये सब हम तुम्हें अपनी साइड रख के कर सकते हैं। वाह गाइस क्या बात है, हम बनेंगे निंजा। नहीं अभी नहीं, उसके लिए तुम्हें 3 लेसन पास करने होंगे। जरूर क्यों नहीं, मैं करने को तैयार हूँ। तो डूब तैयार हो जाओ। पहला लेसन है ट्रेन योर बॉडी एंड सोल। तुम्हें टाउन के एक साइड से दूसरी साइड तक भागना है, जो कि बहुत इजी काम है, पर संभल के, क्योंकि इस दौरान तुम्हारे पीछे जंगली कुत्ते होंगे। ओ शिट गाइस यार जल्दी जल्दी भागना होगा, मैं ऐसे भी भाग लेता, इन कुत्तों को छोड़ने की क्या जरूरत थी। ओ नहीं नहीं गाइस यार ये लोग तो नजदीक आ रहे। दूर हो जाओ मुझसे। अबे यार ये लोग अपने को काट लेंगे। क्या करूं। भागो। हमें कुछ तो करना होगा, वरना ये लोग ऐसे तो पीछा नहीं छोड़ेंगे। कुत्तों को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है? क्या होता है? अबे यार दिमाग पर जोर डाल, यहाँ पर कुछ तो होगा जो हमारे काम आएगा। गाइस मुझे मिल गया खाना, तो जल्दी जल्दी बनाते हैं, कुछ ही देर में ये सब तैयार हो जाएगा। बस हो गया। ये रहे हॉट डॉग्स। मुझे लगता है हमारा प्लान वर्क कर गया, इनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। तो चलो हम लोग अपना काम करें। अब जल्दी जल्दी आगे की तरफ भागते हैं, हमें यहाँ से जाना होगा। जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ता हूँ। ओ नो, अबे नहीं। जल्दी भागो। अबे यार उनके पास हॉट डॉग बचे होंगे, वो जाके खाओ ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ये कुत्ते सही में बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये एक नंबर का पागल है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसे भी नहीं पता कि ये क्या कर रहा है। नहीं रियो, ये हमारी फितरत नहीं, तुम्हें उससे जेलस फील नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो अब देखो, तुम सब देखो, मैं भी देखता हूँ वो कैसे जीतता है। गाइस यार मुझे लगता है हमने कुत्तों से पीछा छुड़ा लिया है। ओ तेरे भैंस की। अबे यार ये कहाँ से आया? इसके बारे में तो उन निंजाओं ने कुछ नहीं बताया था, ये तो सरासर चीटिंग है। अबे यार भालू कौन छोड़ता है पीछे? अब मैं इससे कैसे बचूं? एक काम करता हूँ गाइस, इस साइड से जाता हूँ, वो छोटी छोटी जगहों पर हमारा पीछा नहीं कर पाएगा, या फिर शायद मैं गलत हूँ, क्योंकि ये तो अभी भी हमारे पीछे है। कोई बचाओ। हाँ जाओ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओ भाई साहब क्या स्पीड में आया ये। भाग दूर भाग, जान और इज्जत दोनों का सवाल है, पर हमें ये करना ही होगा, आखिर में हमें निंजा जो बनना है। हाँ बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये तो डेड एंड है, अब मैं कहाँ पर जाऊंगा? गाइस लग गई बात। ये तुम्हारा टेस्ट है जो तुम्हें पूरा करना
करना होगा। भागो यहाँ से। हाँ, पर इसके लिए थोड़ी सी देर नहीं हो गई क्योंकि आगे रास्ता नहीं है। ओ, नहीं, 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 ये तो हमारी तरफ आ रहा है। वो ये मैंने कैसे किया भाई साहब, गजब यार। और ये भालू भी गया। सॉरी भालू दादा, पर मुझे खुद नहीं पता ये सब मैंने कैसे किया। कभी कभी डर इंसान को ताकतवर बना देता है। देखो गाइस, हमने कर दिखाया। तुमने थोड़ी सी गलतियाँ की पर वो सब मैटर नहीं करता क्योंकि तुमने ये टेस्ट पास कर लिया। अब बारी है दूसरे लेसन की, तो तैयार हो जाओ डूड। लेसन नंबर 2, एम्बरेंस स्पिरिचुअलिटी। इस दरवाजे के दूसरे साइड स्पिरिट रियल्म है, जो कि घर है इस मल्टीवर्स के सबसे इविल डीमन का। इविल डीमन? तो फिर मेरा यहाँ पर क्या रोल होगा? तुम्हें इसके अंदर जाना है और उस डीमन को चकमा देके इस दुनिया में वापस आने का डोर ढूंढना है। ओके, बस इतना ही? मुझे लगता है निंजा बनने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मास्टर्स, मुझे आज्ञा दे, मैं अकेले जाके अपनी ट्रेनिंग पूरी करता हूँ। वेल डन रियो, तुम जा सकते हो। ओ माय गॉड गाइस, जरा इस जगह को तो देखो, ये है वो खतरनाक स्पिरिट रेल्म। हमें जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ना होगा और जाके उस दरवाजे को ढूंढना है जिससे हम अपनी दुनिया में वापस जा सके। वो यही कहीं पर होगा। वाह क्या बात है, मुझे नहीं लगा था इतनी आसानी से मिल जाएगा। ये दरवाजा तो ठीक हमारे सामने है, बड़ा ही आसान था। वो मुझे लगता है यही वो डीमन है। अब इसको चकमा कैसे दूं, इसने तो मुझे देख लिया है। ये ले। इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है? अबे ये क्या चीटिंग है? ये ले गाइस, यार इसे तो असर ही नहीं हो रहा है। हट। अबे यार नहीं नहीं, अब ये ले, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये खाओ, तुम बहुत गलत जगह आ गए हो। मुझे पता है तुम्हें उस निंजा ने भेजा होगा। अब ये लो, उन्होंने ही मुझे यहाँ पर कैद किया है, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अब ये खाओ और ये भी लो। गाइस ये तो धनाधन पहले ही जा रहा है। बे यार ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं था, मुझे चकमा देने के लिए बोला था, फाइट करने के लिए नहीं। रुक जा भाई रुक जा। आउच। मैं इस दरवाजे को ही लॉक कर देता हूँ, फिर देखता हूँ वो डूड का बच्चा कैसे बाहर आता है। अबे रुक जा जानवर, क्या कर रहा है? गाइस यार ऐसे चलता रहा तो ये हमें आज ही खत्म कर देगा। मैं इससे कैसे भी बचना होगा। कहा गया कहा गया? ये रहा ये रहा, ये ले, हमारे पास यही मौका है। जल्दी जल्दी भाग, जल्दी जल्दी भाग। ये क्या? अबे ये लॉक कैसे? गाइस यार ये दरवाजा नहीं खुल रहा है, हम तो गए। नहीं आओ भाई साहब, गई कमर। जल्दी से उठ भाई। अब ये क्या कर रहा है? ये हमारे साथ साथ बाहर आ गया, का कुछ बड़ी गड़बड़ करने वाला है। अबे नहीं, इसने तो आसपास के सारे लोगों को अपने वश में कर लिया। अबे रुक जाओ, क्या कर रहे हो? सबका तो माइंड वॉश हो चुका है, पर हमें बचना होगा, हम इतने जल्दी हार नहीं मान सकते। ये निंजा की ट्रेनिंग है। ओ भाई साहब बच गए। अबे आउच यार, क्या मारा इसने सर पे। रुक जा भाई, खिलौना नहीं है तेरे हाथ में। भागो भागो भागो, हम लोग और कुछ नहीं कर सकते। इन सबके पास कोई ना कोई हथियार है और हम लोग नियत्ते हैं। रुक जाओ वहीं पर। ये लो, चिंता मत करो डूड, हम लोग पहुंच गए और ये भी गया। अब ये खाओ, डीमन आज तू बचेगा नहीं। मेरा एक सवाल है, क्या मैंने ये टेस्ट पास किया? तुम उस दरवाजे से अपनी दुनिया में वापस आए तो एक तरीके से कह सकते हैं कि तुम पास हो गए, पर तुमने बहुत सारे लोगों को खतरे में डाल दिया था। हाँ, पर वो मैंने जानबूझ के नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, हमें नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ना चाहिए। रियो तुमने कमाल कर दिया, एक और नया फास्टेस्ट टाइम। हाँ हाँ अच्छा था, पर मैं बस तुम लोगों से एक चीज कहना चाहता हूँ कि मैं ये रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ। ओ कम ऑन बच्चे, तुम ये क्या बोल रहे हो? रियो हमारे साथ बहुत सालों से ट्रेनिंग कर रहा है, तुम्हें सच्ची में लगता है तुम इसे हरा सकते हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? ऑफकोर्स मैं इसे हरा सकता हूँ। ओके, तो ऐसी बात है। अब सुनो, तुम्हारा नेक्स्ट लेसन है फ्लो लाइक वाटर, तो शुरू हो जाओ। 3, 2, 1। गाइस गाइस गाइस, हमें जल्दी करना होगा, मुझे लगता है हमें सही दरवाजा ढूंढना है यहाँ पर। तो एक तो मिल गया, जल्दी जल्दी जल्दी। वाह क्या बात है, फटाफट चढ़ जा, फटाफट चढ़ जा, हम लोग बस पहुँचने वाले। गाइस यार यहाँ पर थोड़ा आराम से चलना होगा। कमॉन 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 डूड, तुम कर सकते हो। ये लगाई मैंने जंप, बच गए भाई साहब। ओके तो हमें आगे थोड़ा आराम से जाना पड़ेगा। यहाँ से नीचे की तरफ कूदते हैं आराम नाल। हो गया हो गया हो गया। ओके तो गाइस यहाँ पर छोटी सी प्रॉब्लम है, हमें इन इलेक्ट्रिक जनरेटर से बच के जाना होगा, बस इन्हें अवॉइड करना और बच के जाना है। चलो 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 चलो। ओ बच गए बच गए बच गए। अबे यार यहाँ पर तो और भी है। हाश, हमारी मंजिल हमारे सामने है। सॉरी रियो। ओ कम ऑन, ऐसा नहीं हो सकता। रुक जाओ रियो, तुम्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं अब बहुत हो गया, यह आया तब से हमारे क्लैन में घुसने की कोशिश कर रहा है। इसने जिस तरीके से सारी चीजें की है वो एक निंजा का तरीका नहीं है। तुम लोगों को दिखाई नहीं देता, ये कहीं से भी फिट नहीं है एक निंजा बनने के लिए। नहीं रियो ऐसा नहीं है, इसने सारे लेसन पास किए है और ये पूरी तरीके से तैयार है एक निंजा बनने के लिए, और ये हमारी मदद करेगा डोजो को हराने में। नहीं अब बहुत हो गया, मुझे यहाँ नहीं रहना। गाइस मुझे लगता है कि ये जेलस है, छोड़ो क्या ही फर्क पड़ता है। बधाई हो बच्चे, तुमने सारे टेस्ट पास कर लिए, अब तुम भी एक निंजा हो और टाइम आ चुका है डोजो को हराने का। ये ले गाइस, यार फाइनली हम लोग निंजा बनी गए। वैसे एक बात बताओ, इन कपड़ों में मैं कैसा लग रहा हूँ?
ये ले, हट। क्या उड़ के गया भाई साहब, कमाल की तलवार है। अब ये ले भाई यार, निकल। तलवार ही फंस गई थी अंदर। और ये खा भाई यार, मैं हवा में क्यों मार रहा हूँ, ये बेचारा तो पहले मर गया है। गाइस हमें अंदर घुसना होगा। हाँ वो रही ठीक हमारे सामने। अब ये मत कहना कि तुम भी एक निंजा बन गए हो, ये सब देख के मुझे हंसी आ रही है। वो गाइस वो देखो, वो रहा ड्रैगन मेडालियन, हमें कैसे भी करके उससे वो लेना होगा। और ये ले, एक ही फटके में गई। अब ये खा। कैसे हो बच्चे, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? हाँ लिटरली हम लोग 5 मिनट पहले ही मिले थे। आउच। नहीं रियो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा जरूर करूँगा, इसे पछतावा होना चाहिए मुझे शर्मिंदा करने के लिए। अब तो तुम गए। गाइस यार ड्रैगन मेडालियन उसके पास है, हमें कुछ तो करना होगा। हमने अभी तक जो भी सीखा है उसका पूरा जोर लगा कर कुछ करते हैं। हमारी सारी निंजा ट्रेनिंग। ये लो, इसके बाद ये काम कर रहा है। और ये खा। वो क्या बाउंस होके जा रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने कोई बॉल फेंकी है। चलो अच्छी बात है, तुमने बहुत अच्छा किया डूड, ये डोजो तो गया। हमें ऐसे बहुत सारे काम करने हैं, तुम अगली बार भी हमारा साथ दे सकते हो। हाँ क्यों नहीं, मैं हमेशा तैयार हूँ। तो गाइस कुछ दिन पहले मेरे पास एक एनवेलप आया था जिसमें लिखा था हेल्प मी, और वो था पॉपी प्ले टाइम की तरफ से। अब मुझे तो पता नहीं कि वो है कहाँ पर, तो हमने मदद ली टोनी की, उसने मुझे एक लोकेशन बताई और मैं वहाँ पर पहुँच गया। अब मुझे बस उसको ढूंढना है क्योंकि पॉपी प्ले टाइम GTA 5 की डायमेंशन में, पर पता नहीं उसको हमारी क्या हेल्प चाहिए। मुझे लगता है वो यही कहीं पर होगा। एक काम करते, इसके अंदर जाकर देखते हैं आखिर वो लोग यहाँ पर कर क्या रहे। पॉपी, पॉपी तुम कहाँ पर हो, मुझे तुम्हारी चिट्ठी मिली थी। गाइस यार यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, कितनी शांति है यहाँ पर, वो लोग आखिर में गए कहाँ पर। पॉपी मुझे लगता है हम लोग गलत जगह पर आ गए। ये क्या है, हगी वगी। गाइस यार मुझे इससे डर लगता है, प्लीज भाई दूर रहे। एक मिनट गाइस, ये क्या, ये तो रो रहा है, पर क्यों? मुझे लगता है तुमने चिट्ठी पूरी नहीं पढ़ी थी, पॉपी को किसने किडनैप कर लिया है, इसलिए हगी वगी बहुत ही ज्यादा उदास है, तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। अच्छा ऐसा है, एक मिनट, ऐसा लग रहा है कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है, कौन हो सकता है? जल्दी से इस दरवाजे को तोड़ दो, वो दोनों मुझे किसी भी हालत में चाहिए, हगी वगी और किसी मिसी, सबको मेरा नाम पता होना चाहिए, टाइलर। तुम लोगों ने बहुत ही गलत पंगा ले लिया है, ये हगी वगी है। गाइस यार जरा देखो तो सही, ये कितना इंसेन है। अब तो ये लोग गए, मचाते रहे भिड़ू। मेरी बात सुनो डूड, मुझे पता है कि पॉपी कहाँ पर है, उसे टाइलर ने किडनैप किया है। अच्छा इसी बात है, फिर तो हमें किसी भी हालत में उनको ढूंढना पड़ेगा। साइड हटो। हगी वगी तुम इन सबको डिस्ट्रॉय करते रहो, तब तक मैं कोई रास्ता ढूंढता हूँ जिससे हम पॉपी का पता लगा सके। गाइस पॉपी को ढूंढने से पहले हमें किसी मिसी का पता लगाना पड़ेगा ताकि हगी वगी थोड़ा खुश हो जाए। अब ये कौन है? ये है एक जन, तुम अभी नहीं जानते उसको। मुझसे दूर हो जाओ, यहाँ से जा रहा हूँ, तुम कभी भी उस गंदी डॉल को नहीं ढूंढ पाओगे। गाइस यार ये क्या, ये तो यहाँ से भाग रहा है। अबे यार हमें उसका पीछा करना पड़ेगा, वरना हमें कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि पॉपी कहाँ पर है। जल्दी 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 जल्दी, कहाँ पर चला गया ये? एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। हगी वगी तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से मुझे पकड़ो और सीधा उसके पास फेंक दो। अबे यार इतना जोर से क्या पकड़ा है। अबे यार बहुत जोर से फेंका। चलो फाइनली ट्रक में पहुंच ही गए हम लोग, वैसे ये ट्रक तो नहीं है। अभी क्या, अभी गाड़ी को रोको और मुझे बताओ कि पॉपी कहाँ पर है, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझसे दूर हो जाओ, मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाला। अबे नहीं 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 नहीं। गाइस यार ये क्या हो गया, शिट, वो तो हमारी आंखों के सामने से निकल गया और कुछ ज्यादा ही दूर निकल गया है। और ये आया हगी वगी, सॉरी भाई मुझे माफ कर देना, पर वो लोग मेरे हाथ से निकल गए। अब मुझे नहीं पता कि हम लोग क्या करेंगे। मेरी बात सुनो, टाइलर का कनेक्शन मिलिट्री बेस से है, तुम्हें वहीं पर जाना होगा, मुझे लगता है तुम्हारा दूसरा दोस्त वहीं पर मिलेगा। ओके गाइस, मुझे लगता है अभी माहौल थोड़ा गर्म होने वाला है क्योंकि मिलिट्री बेस में घुसना कोई आसान काम नहीं है, हमें कोई ना कोई तो इंतजाम करना ही होगा। मैं इतना छुप छुप के चल रहा हूँ, और जरा इसको तो देखो खुलेआम भटक रहा है। गाइस गाइस वो देखो सामने हमारा प्लान आ रहा है, जल्दी जल्दी चलते हैं इससे पहले कि वो आगे निकल जाए। हे वहीं पर रुक जाओ। ऐसे रोकू कैसे, रोकू कैसे, रोकू कूद जाता हूँ। आउच 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 यार, चलो फाइनली रुका तो सही। हे दोस्त कैसे हो? एक्चुअली मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, मेरा कुछ सामान चोरी हो गया है और मैं चाहता हूँ तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। गाइस मुझे लगता है मेरा प्लान काम कर रहा है, हगी वगी बड़ी आराम से यहाँ पर आ रहा है, अब मेरी बारी है। चलो भाई दोस्त ये लो। आहा एक ही पंच में ढेर, तो अब चलते सीधा अंदर। पर अंदर हम लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते, हमें पूरे आराम से काम लेना होगा और इनको पूरा भरोसा दिलाना होगा कि हम भी एक सोल्जर है। उप्स पहली गलती, मैं गेट तोड़ के निकल गया। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल तो हमें किसी ने भी नहीं देखा। यहाँ पर एक सोल्जर है गाइस, एक काम करते इससे पूछते हैं। हे सोल्जर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किसी मिसी को कौन से कमरे में रखा है? पहले तो ये बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक्चुअली मैं एक सोल्जर ही हूँ, मेरे कपड़े थोड़े गंदे हो गए थे इसलिए मैंने दूसरे पहन लिए। अगर तुम एक सोल्जर हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वहाँ जाने की परमिशन सिर्फ जनरल से ही मिल सकती है।
एक्चुअली मुझे पता था, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। गाइज यार मुझे तो अपने सवाल का जवाब मिला ही नहीं, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो गाइज आज हम लोग बात करेंगे प्रोबो ट्रेडिंग ऐप के बारे में, जहाँ से आप सिंपल क्वेश्चन का आंसर करके पैसे कमा सकते हो। इसमें आपको सभी टाइप के क्वेश्चन जैसे कि पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, फाइनेंस, स्टार्टअप, गेम जैसे कई सारे टॉपिक्स मिलेंगे। और सबसे अच्छी और आसान बात तो ये है कि आंसर बस यस और नो में करना है, किसी एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका जवाब सही रहा तो आपको पैसे मिलेंगे। रुको गाइज मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, विराट कोहली टू स्कोर अ हाफ सेंचुरी इन द फर्स्ट टेस्ट मैच वर्सेस श्रीलंका। अब मुझे तो लगता है कि विराट कोहली हाफ सेंचुरी मारेगा, तो मैंने यस पर क्लिक कर दिया। आप चाहे तो क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं और साइड स्वाइप करते ही आपकी बिड लग जाएगी। आप इसमें डिपॉजिट भी कर सकते हो। वैसे तो साइन अप के साथ आपको 25 रुपीज बोनस मिलेंगे, और अगर आप लोग मेरा प्रोमो कोड डूड यूज करते हो तो आपको 25 रुपीज और एक्स्ट्रा मिलेंगे। पर ये आप पर है, आप कितना भी पैसा लगा सकते हो और कमा सकते हो, और जीते हुए पैसे को आप इजीली यूपीआई से विड्रॉल कर सकते हो। इस ऐप के 35 लाख से भी ज्यादा यूजर्स है। अभी तक प्रोमो के यूजर्स ने 5 लाख से भी ज्यादा की अर्निंग की है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में और जाकर रजिस्टर करो। तो गाइज मुझे लगता है जनरल उस टावर में जो कि ठीक हमारे सामने मतलब के साइड में, और हमें जल्दी से वहां पर पहुंचना होगा। तो इस गाड़ी को यहीं पर रोकते हैं। और हगी वगी मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें चुपचाप यहीं पर बैठना है जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता, यहां से हिलना मत। तो गाइज अपनी बारी आ गई, जल्दी से चल के मिशन पूरा करते हैं। काश गाड़ी थोड़ी पास में रुका ली होती, वो टावर कुछ ज्यादा ही दूर है। चलो जैसे तैसे करके हम लोग पहुंचे तो सही, अब फटाफट ऊपर चढ़ते हैं। यहीं पर होना चाहिए जनरल, ये रहा। हे लड़के तुम यहां पर कैसे घुसाए? सर एक्चुअली मैं भी एक सोल्जर ही हूं। तो फिर तुम्हारे कपड़े कहां है? वो बहुत लंबी स्टोरी है, फिलहाल आपसे मुझे कुछ जानना था। हाँ बोलो। क्या आप मुझे किसी मिसी के कमरे में जाने की परमिशन दे सकते हैं? मेरा वहाँ पर जाना बहुत जरूरी है। वहाँ पर जाने की परमिशन सिर्फ हाई रैंक ऑफिसर को है, उनके पास ही वो एंट्री कार्ड है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। गाइज यार ये तो गड़बड़ हो गई, अभी हम लोग क्या करेंगे? प्लीज जनरल वो कार्ड मुझे दे दो। ये किसकी आवाज थी? हगी वगी ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने तुमसे वहाँ रुकने के लिए कहा था। अबे नहीं यार, चलो एंट्री कार्ड तो मिल गया, अब जो हुआ सो हुआ, हमें जल्दी से जाना है किसी मिसी के पास। जल्दी 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 जल्दी, यहाँ पर तो ये सब कुछ संभाल लेगा, हमारा काम है बस वहाँ तक पहुँचना। लगे रहो हगी वगी। जल्दी 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 डूड, हम कर सकते हैं। जरा यहाँ का माहौल तो देखो, मुझे भागने में भी डर लग रहा है। अबे मुझ पर ही फेंक देगा क्या? इसने तो मिलिट्री बेस की काया ही पलट के रख दी। ओ भाई साहब, चलो कोई नहीं गाइस, ये सब तो अब ऐसे ही चलने वाला है, इससे पहले कि ये कंट्रोल से बाहर हो जाए। वैसे देखा जाए तो हो ही गया, कितने सारे टैंक आ गए यहाँ पर, और हमें जाना भी यहीं से है। भाई साहब क्या फेंका है गाइज। चलो आखिरकार मिल ही गया, ये रहा वो बंकर, हम फाइनली पहुंच गए गाइज। अब जल्दी से जाता हूँ, ये खोला मैंने दरवाजा। जल्दी से मुझे बता दो कि किसी मिसी कहाँ पर है, मुझे जनरल ने भेजा है। जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे लगता है ऐसे कोई नहीं बताने वाला गाइज, हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। पर उससे पहले इनको तो निपटा लूं, पता नहीं वो कहाँ पर होगा। अबे यार जल्दी रिलोड हो। ये गया। अबे मरना। किसी मिसी कहाँ पर हो तुम? कहाँ जा सकता है ये? किसी मिसी गाइज वो क्या, उसको तो क्रेन से उल्टा लटका के रखा है। ओ भाई साहब इसकी तो हालत खराब है गाइज, हमें कुछ करना पड़ेगा। इस क्रेन का कंट्रोल पैनल कहाँ पर है? ये रहा गाइज। अब जल्दी से इसको ऑफ करता हूँ, मतलब के डिस्ट्रॉय करता हूँ। और ये गया, शॉर्ट सर्किट चालू हो गया है और किसी मिसी आजाद है। चलो फाइनली इसको छुड़ा ही लिया हमने। अरे किसी मिसी कैसे हो? वैसे तुम्हारा दोस्त भी यहीं पर है हगी वगी, और वो तुम्हें बहुत मिस कर रहा है, तो चलो जल्दी से जाके उससे मिलते हैं। अबे ये क्या, ये तो मुझे मार रहा है। नहीं आउच यार, अबे पागल वागल हो गया क्या? गाइज मुझे लगता है ना हम लोग ने आने में बहुत देर कर दी, इसलिए ये हमसे गुस्सा हो गया है। जरा देखो तो सही, ये दोनों तो आपस में लड़ने लग गए। अबे यार बस करो, ये क्या बचपना है भाई साहब, यहाँ तो तगड़ी वाली फाइट शुरू हो गई। अबे रुको दोनों के दोनों, अभी के अभी। मुझे लगता है ये लोग ऐसे मानेंगे नहीं, छोड़ो थोड़ी देर लड़ने ही दो, कुछ ही देर में गुस्सा शांत हो जाएगा। वैसे गाइज ये दोनों तो मिल गए, अब बारी है पॉपी की। डूड जरा ये देखो। गाइज यार टाइलर की लोकेशन आ गई है, मुझे किसी भी हालत में वो बोट चाहिए, जल्दी से जल्दी। मुझे लगता है वो किसी बोट की बात कर रहा था, वो नदी के रास्ते जाने वाला है, तुम जल्दी से वहाँ पर पहुँचो। अच्छा ठीक है, पर हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे कैसे? गाइज यार जरा इसको देखो, यहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सोल्यूशन भी है। आ जाओ दोनों फटाफट, हम इसी से वहाँ पर जाएंगे। गाइज यार ये दिखने में बहुत ही ज्यादा कूल है, पर जितना अच्छा दिखने में है ना उतना ही हार्ड है इसको उड़ाना, ये तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। बस जैसे तैसे करके वहाँ पर पहुँच जाओ, पहले तो इस मिलिट्री बेस से निकलूं। तो गाइज टाइम आ चुका है पॉपी प्ले टाइम की पूरी फैमिली को एक साथ मिलाने का, और हम लोग ये मिशन पूरा करके रहेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास हगी वगी और किसी मिसी दोनों है, और हमारा हौसला भी तो है, और उसी के साथ बस एक चीज और चाहिए, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइज हम लोग फाइनली इस लोकेशन पर पहुंच गए, अब इस प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डाल देता हूं। तो हम लोग ऊपर तो आ
गए, अब बारी है जंप की। तुम दोनों जन तैयार हो? वोरा क्रूज। गाइस हमें वहां तक ही पहुंचना है, तो चलो जल्दी से। गाइस स्पीड कुछ ज्यादा ही हो गई है। चलो हम लोग यहाँ पर तो आ गए। पॉपी कहाँ पर हो तुम? ये रहा टाइलर। बेटा अब तो तू बचेगा नहीं। तुम्हें थोड़ा भी चैन नहीं है? तुम मुझे एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? ओ भाई साहब अब तो ये गया। गाइस इतना परेशान किया, ये ले। अबे ये तो गंजा है, अभी इसका नारियल फोड़ता हूँ। आजा बेटा आजा, ये ले। धक्का दिया, डूट को धक्का दिया, ये ले लखा। आज कैसे बचेगा? ये ले। और अब ये खा। बहुत परेशान किया भाई तूने। अबे झटका कैसा लगा? नहीं गाइस पॉपी जी पानी में गिर गई। हमें जल्दी जल्दी जाना होगा, यही से जंप मार लेता हूँ। ओ पॉपी कहाँ पर हो तुम? एक तो पानी के अंदर बोलने में बहुत मुश्किल होती है गाइस। हाश ये क्या, हम लोग किसी आइलैंड पर आ गए। पॉपी क्या तुम यहाँ पर हो? मुझे आवाज दो। गाइस यार यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो रही पॉपी, फाइनली मुझे मिली गई। यार तुझे ढूंढने के लिए कितनी मुसीबतों का सामना किया है। एक मिनट गाइस, ये क्या, ये तो गड़बड़ हो गई। तुम्हें क्या लगा था तुम ऐसा ही मुझसे जीत जाओगे? तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। मैं दोनों को मार दूंगा और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अगर अपनी जान चाहते हो तो पॉपी को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं इन दोनों की जान ले लूंगा। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, शुरुआत मैं तुमसे करूंगा। गाइस यार यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। एक मिनट, ये गोली की स्पीड इतनी स्लो कैसे हो गई? यहाँ पर कुछ तो चल रहा है। तू ध्यान से देखो, ये पॉपी का कमाल है, वो अपनी शक्तियों से गोली को रोक रही है। ये तुमने कैसा किया? ऐसा नहीं हो सकता। गाइस यार आपने देखा क्या, हगी वगी ने क्या मारा इसको। चलो ये तो ठिकाने गया। और पॉपी तुम कमाल हो यार, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वैसे झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत तो नहीं किया, पर थोड़ा पक्का किया था मैंने। अब तुम तीनों एक साथ खुश रहो, मैं यहाँ से चला, क्योंकि मुझे भी अपने घर पे जाना है। तो गाइस जल्दी जल्दी जाते हैं, ये हमारे काम आएगा। जल्दी से जाके इसमें बैठ जाता हूँ। अबे चढ़ भी जा भाई। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। उसी के साथ मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, आईडी स्क्रीन पर आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलो चलते हैं। जय हिंद।